Hello children, welcome to Asa Education. Aaj hum kar rahe hain chapter The Blue Cross. English book, Gujarat Board, grade 11 C. Valentin, a famous Parisian detective, comes to London on the trail of an equally notorious French thief, Flambeau. Valentin, जो कि एक पेरिस के डिटेक्टिव थे, काफी फेमस थे, वो लंदन आते हैं क्योंकि उन्हें जो है एक बदनाम फ्रांस का थीफ फ्लैम्बू उसको पकड़ना था. Valentin notices the smallest details very cleverly. Valentin, जो कि छोटे से छोटे भी डिटेल्स को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं. He has the extraordinary ability to place himself in the shoes of the criminal he is searching for. उनमें एक अलग सी ही खासियत है कि वो जो हैं जब भी किसी क्रिमिनल को ढूंढ रहे होते हैं तो अपने को उस जगह पर रखकर देखकर और फिर सोचते हैं. Thanks to this sense, Valentin notices a series of very strange clues left behind the couple old priest. इस सेंस का ही एक तरह से उसको धन्यवाद कह सकते हैं कि वैलेंटिन ने जो है बहुत सारे अजीब अजीब से जो क्लूज थे जो कि दो प्रीस्ट पुराने बुढ़े से जो प्रीस्ट होते हैं उनके द्वारा छोड़े गए थे उसको बहुत ध्यान से उन्होंने पकड़ा. एज अ रिजल्ट ही मैनेजेस टू फॉलो फ्लैम्बू ट्रेल अराउंड लंदन और इसी की वजह से वो जो है फ्लैम्बू का पीछा करते करते लंदन में उनको ढूंढ रहे थे. When he sits in a quiet restaurant, he finds salt in a sugar bowl. जब वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे तो उन्हें जो है शुगर बाउल में सॉल्ट नजर आया. द वेटर सस्पेक्ट्स वन ऑफ द टू ओल्ड प्रीस्ट हु हैड कम देयर अर्लियर इन द डे. अब उसमें से वेटर ने बताया कि शायद ये दो जो प्रीस्ट आए थे उनमें से किसी एक का काम होगा जो दिन में आए थे. वन ऑफ द प्रीस्ट स्प्लैश्ड सूप ऑन द रेस्टोरेंट वॉल्स. अब उनमें से एक प्रीस्ट ने जो है रेस्टोरेंट वॉल पे सूप जो है उसको फेंक दिया था. Valentin continues to follow their trail via a market stall and a restaurant with a broken window. अब Valentin जो है उन लोगों को ढूंढ रहे थे उन्हीं जो जो उन्होंने जिधर जिधर मार्किंग्स छोड़े थे उसके अकॉर्डिंग उसी राह पे चलते चलते उनको ढूंढ रहे थे. तो मार्केट स्टॉल में और रेस्टोरेंट जहाँ पर एक विंडो टूटी हुई थी उसमें वो ढूंढते ढूंढते पहुंचे. द प्रीस्ट हैड अपसेट द एप्पल्स इन द मार्केट स्टॉल एंड हैड चेंज द प्राइस लेबल्स ऑफ ऑरेंज एंड नट. वो जो प्रीस्ट था उसने क्या किया था, मार्केट स्टॉल में एप्पल्स को जो है इधर उधर डिस्टर्ब कर दिया था, साथ ही साथ जो ऑरेंज और नट्स थे उनके प्राइस लेबल बदल दिए थे. एट द अदर रेस्टोरेंट ही हैड इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑन द बिल एंड ब्रोकन अ विंडो डेलिबरेटली. दूसरे रेस्टोरेंट में उन्होंने क्या किया, जो बिल था उसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और साथ ही साथ जानबूझ के एक विंडो तोड़ दी. इवेंचुअली वैलेंटिन इज लेड टू हैम्पस्टेड हीथ. अब इसी की मदद से वैलेंटिन जो है हैम्पस्टेड हीथ पहुंच गए. देयर ही फाइंड्स द सिंपल लुकिंग प्रीस्ट अलोंग विद अनदर मैन. अब वहां पर उनको एक सीधा साधा दिखने वाला प्रीस्ट एक और आदमी के साथ मिला. Valentin is sure that this man is Flambeau. अब Valentin को समझ में आ गया कि ये आदमी जो है Flambeau है. Valentin and two officers follow him and overhear the following conversation between them. अब Valentin और जो दोनों officers थे उन्होंने उनका पीछा किया और फिर उनकी जो बातें हो रही थी आपस की उनको ध्यान से सुनने लगे. Then, with brow still bent and continuing without changing the faintest shade of his attitude or voice, Flambeau said, अब अपनी जो भौहें थी वो तब भी तनी नहीं थी, नीचे थी और जरा सा भी अपने व्यवहार या आवाज में बदलाव लाए हुए Flambeau ने कहा, Just hand over that sapphire cross now. We are all alone here and I could tear you to pieces like a straw doll. अब जो Flambeau थे उन्होंने जो है दूसरे पीस से कहा कि वो जो सफायर यानी वो जो नीलम वाला क्रॉस है, ब्लू क्रॉस है, वो मेरे को दे दो. हम लोग यहाँ पर अकेले हैं, उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा. The calm voice and attitude added a strange violence to that shocking change of speech. अब जिस तरीके से उस आदमी ने एकदम से बोला इस तरह उससे क्या हुआ कि जहां उसकी जो शांत आवाज थी, जो व्यवहार उसका इतना शांत था, वो एकदम से बिल्कुल अजीब झगड़ालू टाइप का हो गया. But the little priest only turned his head slightly. और ये जो छोटे से प्रीस्ट थे इन्होंने अपना हल्का सा सिर घुमाया. He still seemed to have somewhat foolish face turned to the stars. जैसे मानो कोई बेवकूफ इंसान जो है तारों की तरफ देखने लग जाए. Maybe he had not understood, or maybe he had understood and sat frozen with fear. हो सकता है या तो उसे समझ में नहीं आया, या फिर हो सकता है उसे समझ में आ गया हो, लेकिन डर के मारे वो बिल्कुल जैसे ठंडा पड़ गया हो. Yes, said the tall priest in the same low voice and in the same still posture. Yes, I am Flambeau. अब वो जो लंबा सा प्रीस्ट था उसने बिल्कुल उतनी ही धीमी आवाज में और उसी पोजीशन में कहा, हाँ मैं हूँ Flambeau. Then after a pause he said, Come, give me that cross. और फिर उसने बोला कि अच्छा अब मेरे को जरा वो जो क्रॉस है वो मेरे को दे दो. No, said the other, and the reply had an odd sound.
अब जो दूसरा सामने था यानी जो छोटे वाले प्रीस्ट थे उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा और उनकी जो साउंड थी वो थोड़ी अजीब सी लगी. टू दिस रिप्लाई द ग्रेट रॉबर लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड लाफ्ड लो बट लॉन्ग. अब इस जवाब को सुनने के बाद वो जो बड़ा सा रॉबर था वो अपनी सीट पे पीछे बैठा और फिर हंसने लग गया, पर हल्की आवाज में हंस रहा था लेकिन काफी देर तक हंसा. नो ही क्राइड, यू वोंट गिव इट मी यू प्राउड प्रीस्ट, यू वोंट गिव इट मी यू फुलिश लिटिल मैन. Shall I tell you why you won't give it me? Because I have got it already in my own pocket. तो अब वो जो फ्लैम्बू थे उन्होंने कहा तुम मुझे नहीं दोगे घमंडी प्रीस्ट, तुम मुझे नहीं दोगे छोटे से फुलिश आदमी बेकूफ से आदमी. अब मैं बताऊं तुम मुझे क्यों नहीं दोगे, क्योंकि वो मेरी पॉकेट में ऑलरेडी है. द स्मॉल प्रीस्ट रिप्लाइड are you sure? तो वो जो छोटे से प्रीस्ट थे वो कहते हैं अच्छा तुम्हें यकीन है. फ्लैम्बू yelled with delight. My goodness, yes, your turnip, I am quite sure. I had the sense to make the duplicate of the right parcel. Now, my friend, you have got the duplicate and I have got the jewels. An old trick, Father Brown, a very old trick. तो जो फ्लैम्बू थे वो एक जैसे टॉल रॉबर थे और फादर ब्राउन जो है वो छोटे वाले प्रीस्ट थे. तो फ्लैम्बू जो है वो खुश होके कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि कब जो है सही पार्सल का डुप्लीकेट बनाना है. और मेरे दोस्त मैंने जो है डुप्लीकेट बना लिया था जो कि इस वक्त तुम्हारे पास है और ज्वेल्स मेरे पास हैं. ये बहुत पुरानी ट्रिक है फादर ब्राउन, बहुत पुरानी ट्रिक. यस सेड फादर ब्राउन, यस आई हैव हर्ड ऑफ इट बिफोर. तो फादर ब्राउन कहते हैं कि हाँ पता है, मैंने इस ट्रिक के बारे में पहले से सुना है. द मास्टर क्रिमिनल लीन ओवर टू द लिटिल रस्टिक प्रीस्ट with a sort of sudden interest. अब वो जो मास्टर क्रिमिनल था वो एकदम से जो है उस प्रीस्ट की तरफ झुका और उसको थोड़ा सा उसकी बातों में इंटरेस्ट आया. You have heard of it? He asked. Where have you heard of it? तुमने सुना है? तुमने कहाँ सुना है?